أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات السلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران خان اور میں ہوں حلیمہ ذوالفقار سحری کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری یہی دعا ہے کہ ہماری ہر سحری کا آغاز اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہو اور ہماری ہر سحر کی طرح افطار میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی باتیں ہوتی رہیں آمین سم آمین ناظرین ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے بالکل ناظرین قرآن جو ہے بلا شبہ ہدایت کا راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اسے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے اسے آسان بنا دیا جائے گا اب چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين فأولئك مع وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وحسن حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله صدق الله العظيم جی ماشاء اللہ سبحان اللہ ناظرین ارشاد ربانی ہے انا اعطیناک الکوثر
बेशक हमने आपको कौसर अता किया। मुफस्सिरीन की एक राय यह भी है कि कौसर से मुराद सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपकी औलाद पाक हैं। अम्मा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मुशाबा थी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मरियम अज यक नस्बत ईसा अज़ीज़ अज से नस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साहिबजादी हैं तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जौजा मोहतरमा हैं तो शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और वालिदा माजदा हैं तो हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे सीरत सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर। बिल्कुल इमरान, आज उनका यौम विसाल है तो उसकी वजह से उनको हमने ये टॉपिक हमने सुना है। बिल्कुल इसके बारे में हम बात करेंगे आज के शो में, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो बहुत ही प्यारे मेहमान हमारे शो पे आए हैं। पहले जो हमारे मेहमान हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूक़ी साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। और जो दूसरे हमारे मेहमान हैं वो हैं इलामा नूर हुसैन साहब, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम का आगाज़ क्या रहता है डॉक्टर साहब? आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सीरत व किरदार हम सब के लिए किस तरह मिसाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया इमरान खान साहब, वेलकम सर। जिस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती का जिक्र खैर है, तो अल्लामा फरमाते हैं कि पहले वुज़ू होना चाहिए उनका पाकीज़ा नाम लेने के लिए, क्योंकि आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की लखते जिगर हैं और अल्लाह ताला ने आपको जो जहतें फजीलत की अता की हैं, आप सैयदा भी हैं, ज़हरा भी हैं, बतूल भी हैं, तय्यबा भी हैं, ताहरा भी हैं, राजिया भी हैं, मर्जिया भी हैं। आपकी हसीयत ये है कि वालदे माजद सैयदुल अंबिया है, शोहर नामदार अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदुल औलिया है, और आपके साहबजादे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदुल शुहदा है और ख़ुद सैयदतुन निसा है। खातून अव्वल की आप लाडली साहबजादी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरे मक्का में सबसे मुतमव्वल तरीन खातून, इंतहाई नफीस तबा पाकीज़ा सिफ़त, अल्लाह करीम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ौजियत के लिए उनको अपनी बारगाह से पसंद किया। तो आपको जिस तरह की तरबियत के माहौल मिला, ऐसा माहौल मिलना तकरीबन नामुमकिन है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी आगोशे मुबारक है, आपके घर का माहौल है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी आप लखते जिक्र व साहबजादी हैं, फिर आपके ही घर में कुरान भी नाजल होता रहा, मक्की ज़िंदगी के हालात, मदनी ज़िंदगी के हालात, तो आप इस एतबार से तमाम ख़वातीन इस्लाम के लिए एक मिसाली और एक आइडियल शख्सियत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यकीनन लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सब के लिए आपकी सीरत उस्वा हसना है, लेकिन प्रैक्टिकली ख़वातीन इस्लाम के लिए जो कामल तरीन शख्सियत हैं उम्मत मुसलमान के पास बल्कि सारी इंसानियत के पास, वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। फिर अल्लाह ताला ने उनको इन निस्बतों के अलावा ज़ाती जो औसाफ़ और कमालात अता फरमाए थे, उस एतबार से भी आपकी औरत की तीन जहतें हैं, तीन हैसियतें होती हैं, बेटी की हैसियत है, फिर बीवी की हैसियत है, फिर माँ की हैसियत है। तो अल्लाह करीम ने आपको ऐसा अज़ीमुल मर्तबत मुकाम दिया कि बेटी की हैसियत से भी बेमिसाल है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आपकी ऐलान नबूवत किया तो मुश्किलात के पहाड़ खड़े हुए, तो पता चला कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अक़दस पे किसी बदनसीब ने ओजरी डाल दी है ऊँट की, तो आपके घर तक पैगाम पहुँचा, मासूम थी,
पर्दा करते हुए नन्हे से हाथों के साथ तशरीफ लाई और आपके सर मुबारक से जिस्म से ओझली को भी दूर कर रही हैं, दिलासा भी दे रही हैं और अल्लाह से दुआ भी फरमा रही हैं और उनको भी समझा रही हैं कि मेरे बाबा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्या तुम्हारे साथ ज्यादती की। तो बेटी की हैसियत से आप एक आइडियल बेटी, इतनी कि सरकार के पास आए तो उठ के आप इस्तकबाल फरमाएं, शफकत और मोहब्बत फरमाएं, अपने मसल्ले पे बिठाएं और फिर फरमाएं कि फातिमा तो मुदगा तो मिलनी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। बीवी की हैसियत से जो है अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला के घर की इज्जत हैं, साहबजादियाँ भी हैं, साहबजादे भी हैं, सनैन करीमैन भी हैं, जिस तरह सब्र के साथ शुक्र के साथ सही। किसी किस्म का कोई बदमजगी नहीं, किसी किस्म की कोई इंतशार नहीं, इफ्तराक नहीं, एक आइडियल बीवी की हैसियत से। बिल्कुल। फिर माँ की हैसियत से देखा जाए तो वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, तो सैयदा खातून जन्नत एक माँ की हैसियत से अलामा ने इसीलिए कहा कि मरियम अज यक नस्बत ईसा अजीज़ हर से नस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़ नूर चश्म रहमतुल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखरीन बानू ताज दार हलता मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा मादरिया मरकज पुरकारिश मादरिया काफला सनारिश। तो हर हसीयत से आपकी सीरत दुख्तरान इस्लाम के लिए बिल्कुल इसी तरह आइडियल और सुहासना है जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए। जी डॉक्टर साहब ने तो काफ़ी अच्छी तरह बताया, एलेबरेट किया उनके सारी चीज़ों को, लेकिन अलामा साहब मैं अब आपकी तरफ आती हूँ। मुझे बताएं कि वक्त बहुत कम है, हम उनकी पूरी ज़ात के बारे में तो बात करना मुश्किल हो जाएगा, उनकी ज़ात का कोई एक ऐसा पहलू जो सबसे ज़्यादा नुमाया हो, जैसे लोगों ने बहुत ज़्यादा महसूस किया हो, ताकि हम भी उससे रहनुमाई हासिल करें। बिलाशुबा आपने बहुत अहम सवाल किया है जी कि सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत के बहुत से पहलू हैं, तो एक पहलू को नुमाया किया जाए। आपकी सीरत का जो अहम पहलू है वो है इबादत। आपकी बेमिसाल इबादत थी और रात का अक्सर हिस्सा आप बंदगी में गुजारती थीं और आप बहुत तवील क़याम करती थीं और तवील सजदे करती थीं, हत्ता के सुबह के वक्त तक आपकी बंदगी यानी रात जो आप बंदगी शुरू करती थीं तो उसमें रात मुकम्मल कर देती थीं। तो ये आप अलैहिस्सलाम की सीरत का फैज़ नसीब हुआ था उन्हें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। आहद रसूल सल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया आप बहुत लंबा क़याम करते हैं रात, इसे मुख्तसर कीजिए। तो इस तरह ये अगरचे नफली इबादत है जी रात की बंदगी, लेकिन इतनी कसरत से करती थी, नफली इबादत भी। इसके साथ साथ आप तस्बीहात पढ़ती थी, याद रसूलुल्लाह सल्लम ने आपको तालीम दी थी कि आप जब हाजिर हुई थी कि खादिम दिया जाए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उससे बेहतर चीज मैं तुम्हें अता करता हूँ जो हजार नेकियों से भी बढ़कर है कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह, उसकी हम्द और उसकी तकबीर यानी 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह हू अकबर आराम से पहले आप ये पढ़ लिया करें। इस तरह हज़रत फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा कुरान मजीद की तिलावत भी बकसरत करती थी, ये भी आपकी इबादत का एक पहलू है कि आप कुरान मजीद की तिलावत बकसरत फरमाती थी और सदकात भी कसरत से करती थी। आप सखियत थी, बहुत सखावत करती थी, यही वजह है कि आपकी सखावत का फैज आपके साहबजादों को नसीब हुआ और आपका पूरा घराना ही सखी बन गया। लुब्बे लुबाब यह है कि हजरत फातिमतु जहरा फर्ज इबादों की पाबंदी भी करती थी और नफली इबादतें बकसरत करती थी, नफली रोज़े रखना, रात का क़याम बहुत तवील
और तवील सजदे करना, सदकात खैरात और सखावत का मुजाहरा करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह तहलील तकबीर, इस तरह की जुमला माली इबादतें, कौली इबादतें, बदनी इबादतें, ये फर्ज के साथ साथ नफली इबादत में भी आप एक नमूना थी। इबादत के हवाले से बात हो रही है, उनकी इबादत और हमारी इबादत का क्या मवाजना हो सकता है? उनकी तो हम खाक के भी बराबर नहीं है, लेकिन वक्त अभी हुआ जाता है एक वक्फे का, जल्दी से वक्फे पे जाएं और दोबारा आएं और इसी मौजू पे आगे बात करेंगे। कुल कायनात के लिए भेजा गया उन्हें, वो ज़माने के नहीं बल्कि ज़मानों के नबी हैं। नाज़िम, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, मगर वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आइए सुनते हैं आज का नाते कलाम। कोई दुनिया अता में नहीं हम ताते हातिम को मुयसर ये नजारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा, बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने, इनकी औकात क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का वो लोग क्या जाने, वाले तेरी शौकत का वो लोग क्या जाने, खुशनवा छिपे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशनवा छिपे उड़ता है फरेरा तेरा, नजर उषा के नबी है ये मेरा है फिगरी। माशा
माशाल्लाह सुभानअल्लाह। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताएं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी साहबजादी से प्यार और मोहब्बत का कोई ऐसा वाकया जो हम लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए मिसाली हो। ये एक फितरी सी बात है कि वालदैन को औलाद से मोहब्बत और प्यार बेहद हिसाब होता है, जिसको किसी पैमाने पे परखा नहीं जा सकता। और हुजूर अलैहिस्सलाम वो तो सरापा रहमतुल आलमीन है, तो उनकी मोहब्बत आल औलाद के लिए तो आइडियल। फिर ये कि आपकी चार साहबजादियाँ आपकी हयात तैयबा में बतदरीज अल्लाह ताला को प्यारी हो गई, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रकिया, सैयदा उम्मे कुलसूम, तो ज़्यादा वक्त फिर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पकलौती थी, साहबजादे भी पर्दा फरमा चुके थे, तो इस एतबार से सारी मोहब्बतें चाहते उनको समेटने का और उनके आल औलाद को हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनको भरपूर नसीब हुआ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस कदर उनसे चाहत और मोहब्बत फरमाते कि जब आपके पास तशरीफ़ लाती तो आप उनको सूंघते भी थे, फरमाते मुझे जन्नत की खुशबू आती है आपसे, और हसनैन करीमैन को जो है वो आप अपने मेंबर के दाएं और बाएं बिठा के मोहब्बत से फरमाते कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत, ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं और आप सैयदतुन्निसाउल आलमीन हैं। तो आपकी मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बेहदोसाब जो है उसकी एक बड़ी मशहूर जो तारीख़ के अंदर मिसाल मिलती है कि जब सूरह हूद और कुछ दीगर ऐसी आयात नाजिल हुई जिसमें अल्लाह करीम ने फरमाया क्या है, मेरे महबूब जो गुनाहगार होगा मैं उनसे जहन्नम को भर दूँगा, तो आप इस कदर अजुर्दा हुए, आप दीदा हुए, उम्मत के साथ ये मामलात होंगे कि आप बेख्तियार रोते रोते आप शहर से बाहर एक गार थी उसके अंदर तशरीफ़ ले गए और वहाँ जा के फिर आप रोते रहे, दुआएं करते रहे। सहाबा को जब आप ना मिले तो सारे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे, सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने भी अर्ज़ की, कदम मुबारक पकड़े और चाहा कि हजूर तशरीफ़ ले आए, लेकिन आप यही फरमाते रहे रब्बे हबली उम्मती या रब्बे उम्मती, जब तक कोई पैगाम नहीं आता मेरी उम्मत की बख्शिश का मेरा हौसला नहीं पड़ता मैं सर सजदे से उठाऊँ। ता वक्त के सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला महसूस किया एक ही शख्सियत हैं, ज़ात हैं जिनकी बात सरकार ने हरगिज़ नहीं टालनी, तो भागम भाग फिर तशरीफ़ लाए सैयदा खातून जन्नत से अर्ज़ की कि आपके अब्बा हुज़ूर इस तरह अल्लाह की बारगाह में रो रो के अलकान हो रहे हैं और वो वहाँ से आने के लिए तैयार नहीं। आप पर्दे के साथ बीबियों के साथ ले के वहाँ पहुँची, हजूर के कदम मुबारक पकड़ लिए और कहा कि अब्बा जान अल्लाह आपकी उम्मत को माफ़ कर देगा, आप मुतमिन रहें और मदीने तशरीफ़ ले चलें, सारा मदीना जो है वो उदास है। तो जब सरकार ने सर ना उठाया तो फिर अल्लाह के हजूर अर्ज़ की के मौला अगर अब भी तूने मेरे बाबा की उम्मत की बख्शिश ना फरमाई तो फातिमा के सर के बाल जो कभी सूरज ने भी नहीं देखे मैं फिर सर से चादर उतार कर फिर मैं दुआ करूँ। तो फौरन जबरील अमीन दौड़े कि नहीं ये चादर तत्हीर जिसको तो कुरान पाक में भी जिसकी बकायदा सनद दी गई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअन्कुम रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा, ये सर से चादर ना उतारें हम आपकी उम्मत को बख्श देंगे। तो सरकार ने फिर जो प्यार उनसे किया कि सैयदा खतून जन्नत मेरी बेटी की वजह से अल्लाह ने इतना ज़्यादा पैकेज दे दिया, तो फिर जिस तरह वारफ्तगी से उनसे प्यार किया ये बहुत ही एक बेमिसाल वाक़या है तारीख के। मोहब्बत की ये मिसाल लाजवाल हैं। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा साहब, साहबजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सादगी से भरपूर शादी का अहवाल बयान कीजिए और हमें बताइए कि आज के मुआशरे को इससे क्या सीखना चाहिए। बिलाशुबा ये एक शादी
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک ایسی شادی تھی جو بعد کے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتی تھی. یقیناً ہمارے اسلاف جو ہے وہ ہمارے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں. تو بڑی سادگی سے یہ شادی منعقد ہوئی تھی. اس میں جو نکاح کا عمل تھا اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی زیادہ ضیافت کا اہتمام نہیں فرمایا تھا. چوہارے تقسیم کیے گئے تھے, کوئی باقاعدہ ضیافت اور دعوت نہیں تھی. امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب رخصتی ہو تو اس میں, یعنی نکاح کی تقریب, یہ کوئی باقاعدہ ضیافت نہیں ہوتی, اس میں خطبہ مسنونہ ہے, ایجاب و قبول ہے, دعا ہے اور مختصر طور پر کوئی چیز تقسیم کر دی جائے علامتی طور پر. البتہ جو دولہا کی طرف سے ہے, یعنی شوہر کی طرف سے یہ ولیمہ کا اہتمام, تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں یہی فرمایا ہے کہ ولیمے کا اہتمام کیا جائے, چاہے وہ ایک بکرا یا بکری کی صورت میں. تو اس طرح ون ڈش کا تصور اس سے ملتا ہے جی, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے جو اس وقت ولیمہ ہوا تو وہ بھی ایسا ہی سادگی سے عبارت تھا. لب نباب یہ ہے کہ پھر اس میں کوئی جہیز کا بھی باقاعدہ تصور نہیں ہے. مختصر سا سامان گفٹ دیا جا سکتا ہے بیٹیوں کو, لیکن شوہر کی طرف سے ڈیمانڈ یہ غیر شرعی طریقہ ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی, حضرت علی کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی تھی, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا سامان, یعنی لباس, چادر مبارک, جائے نماز اور چارپائی اور چکی, یہ جو گھر کی مختصر سے سادہ چیزیں تھیں اور جو بہت ان پہ لاگت بہت کم آتی ہے, تو اس طرح یہ ضروری اتنی ہے جی, جن کے بغیر گزارا نہیں جی. تو جو پانی کا مشکیزہ بھی تھا, یہ ضرورت کی چیزیں بھی تھیں لیکن بہت کم لاگت والی چیزیں تھیں. اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ شوہر کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے, اور والدین اپنی مرضی سے جو اپنی بیٹی کو گفٹ دینا چاہے وہ بہت زیادہ بھی نہ ہو, سہولت کے ساتھ جی, اپنی سہولت اور مالی حیثیت کے مطابق ایسا کیا جا سکتا. بے شک جی ناظرین, جہیز غیر شرعی ہے اور خوبصورتی سادگی میں ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. وقت کو ایک چھوٹ سے وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ اس پروگرام میں. اب وقت ہوا جاتا ہے آج کے کلام کا, چلتے ہیں اور سنتے ہیں آج کا کلام. بدرو دو جا شمس و دوہا بدرو دو جا تیری بڑی توقیر ہے شمس و دوہا بدرو دو جا تیری بڑی توقیر ہے شمس و دوہا بدر و دو جا تیری بڑی توقیر ہے تیری بڑی توقیر ہے صورت تیری شاہ امم صورت تیری شاہ امم اللہ
अल्लाह की तस्वीर है, सूरत तेरी शाहे उमम। अल्लाह की तस्वीर है, शम्सो दोहा बदरो दो जा, तेरी बड़ी तौकीर है। दुनिया से ता रोज़े जज़ा, उनका है मुझको आसरा। दुनिया से ता रोज़े जज़ा, उनका है मुझको आसरा, मुझको आसरा। मैं हूँ गुलाम मुस्तफा, मैं हूँ गुलाम मुस्तफा, कैसी मेरी तकदीर है। मैं हूँ गुलाम मुस्तफा, कैसी मेरी तकदीर है। शम्सो दोहा बदरो दो जा, तेरी बड़ी तौकीर है। शम्सो दोहा बदरो दो जा, तेरी बड़ी तौकीर है, तेरी बड़ी तौकीर है। सूरत तेरी शाहे उमम, सूरत तेरी शाहे उमम। अल्लाह की तस्वीर है, शम्सो दोहा बदरो दो जा, तेरी बड़ी तौकीर है। माशाल्लाह बहुत खूब। नाज़रीन प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी हलीमा, आज की अच्छी बात हमारे लिए। आज की अच्छी बात इमरान, मैं अपने देखने वालों को नाज़रीन को यही बताना चाहूँगी कि हम बात कर रहे हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। तो मैंने जब उनके बारे में पढ़ा, जब भी कोई बात हुई तो उनकी और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मिसाली जाना, और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जिस शख्सियत के लिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई, उनकी जब बेटी उनके सामने आती थी तो वो उठ के खड़े हो जाते थे, उनके लिए अपनी चादर उतार के बिछाते थे कि वो उस पर बैठे, यानी वो उन्हें उस जगह पर भी नहीं बैठने देते थे कि जब तक वो पाक ना हो, वो साफ ना हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी मोहब्बत है जो मिसाली है, और हमें भी इसी तरह की मोहब्बतें अपने पूरे माशरे में फैलानी चाहिए। बेशक, नाज़रीन बेटियाँ खुदा की तरफ से रहमत होती हैं। बिल्कुल, बल्कि ये भी फरमाया गया कि जिसने अपनी दो बेटियों की अच्छे से तरबियत की और उनकी शादी की, वो जन्नती है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, वक्त का एक छोटा सा वक्फे का, मिलते हैं वक्त के बाद। जी, वक्फे से वापस आ गए हैं, दोबारा खुश आमदीद कहते हैं आप लोगों को। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं। इख्तिताम हो रहा है डॉक्टर साहब प्रोग्राम का, आखिरी लम्हात आ गए हैं सहरी के। मैं इसमें आपसे जानना चाहती हूँ कि अहले तसव्वुफ़ के हाँ औलाद फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कैसी मोहब्बत देखने को मिलती है हमें। देखिए, तरीकत बजूस खिदमत खल्क नीस्त, बतस्बीह व सज्जादा व दलक नीस्त। बेशक, सरकार का भी फरमान है, खैरुन्नास मन यनफ़ुल नास। बेशक, इंसानों में बेहतर हुआ जो मखलूक को ज़्यादा फ़ायदा दे। बिल्कुल। तो सय्यदा खातून ने जन्नत सलामुल्लाह अलैहा, उनकी क्योंकि ज़ाती सीरत और किरदार, तरीकत और तसव्वुफ़ में वो एक रूह की हैसियत रखती है। बिल्कुल, क्योंकि फ़कर के जिस मरतबे पर अल्लाह ने उन्हें फ़ाइज़ किया, उनका लक़ब है बतूल, वतबतल इलैहि तबतीला, यानी जो सारी दुनिया
को एक तरफ रख के पूरे तौर पे अल्लाह के साथ मुतवज्जो हो जाए, उसकी मोहब्बत में, उसकी इबादत में, उसके जिक्र में, उसकी खुशनुदी में और उसके हर हुक्म को फॉलो करने में, फिर आप की सीरत और किरदार के हवाले से जो सब्र व वफा है, सब्र व कनात है, वो सारे फ़क्र की जान और रूह है। आपकी इबादत वो भी बेमिसाल, जब जैसे प्रोफेसर फरमा रहे थे, उनकी रियाजत भी बेमिसाल, फिर उनकी सखावत भी बेमिसाल, और अल्लाह के और नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत वो भी बेमिसाल, और मखलूक की खिदमत के हवाले से सारा दिन रोज़ा रखा हुआ है और कोई बाहर से सवाली आ जाता है तो वो अपना खाना उसको पेश कर दिया खुद वो पानी के घूंट से, दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे हुआ। अतः की एक दफ़ा सरकार का कोई मेहमान आया, सैयदना सलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आपके दर पे ले आए कि वहीं से खैर मिल जाती है, इत्तफाक से खाने की शय नहीं थी, तो अपनी चादर मुबारक जो हज़रत सैयदना सलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला को दी कि ये शमाउन यहूदी जो है वो ये कारोबार करता है, उससे बेच कर जो है जो पैसे मिले तो मेरे बाबा के मेहमान को खाना खिलाए। तो जब उस यहूदी को इस सूरत हाल का पता चला कि ये तो सईदा खतून जन्नत के सर की चादर है, उसने तौरात खोल के देखी तो उसने हैरान रहा कि तौरात में हजूर के घराने की यही सिफतें लिखी हुई हैं, ये तो वो घराना है जिसकी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी है। तो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो गया, चादर भी वापस भेज दी और हदिया भी पेश किया। तो आपका घराना जो है वो एक आइडियल घराना है। अल्लाह अकबर, क्या बात रजा उस चमनस्तान करम की, जहरा हो कली जिसमें हसन हुसैन फूल, लब फूल, दहन फूल, जख्म फूल, बदन फूल, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो अहले तरीकत जो है वो हसनैन करीमैन और अहले बैत तहार की मोहब्बत, वो सरकार ने तो फरमाया ना कि ये कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें सवार हुआ उसने अपने सब कुछ महफूज कर लिया, जो पीछे रह गया वो चाहे कितना ही मोतबर कोई ना क्यों ना हो वो तूफान नूह में गर्क हुआ। सहाबा के बारे में फरमाया कि वो आसमान के सितारों की तरह, जिसके पीछे चलोगे मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो सैयदा फातिमा ज़हरा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा और आपकी औलाद पाक और जितने अहले बैत तहार हैं इनके साथ मोहब्बत, ये सच्ची बात है, ये अल्लाह को मतलूब है, ये रसूलुल्लाह को मतलूब है। खुद दो टोक कहा कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ऐ महबूब ने कह दो अपनी उम्मत को क़यामत तक आने वालों को कि अगर मेरी मोहब्बतों का कोई तुम सिला देना चाहते हो तो मेरे कुर्बा जो है अहले कराबत उनसे प्यार करना, तो उन कुर्बा में अकरब जो है वो सैयदा खातून जन्नत है। अली पाक का भी बाद में नाम आता है, सनियान करीमैन भी, तो इसलिए उनकी मोहब्बत वो तो ईमान का एक जिसे लाइफुक है, अल्लाह को मतलूब, रसूलुल्लाह को मतलूब, सारे सहाबा को मतलूब और बख्शिश का सबसे बड़ा जरिया है। नाज़रीन, ज़ुहद में बेमिसाल, तक्वा में बेमिसाल, शर्मो हया में बेमिसाल, इससे मिसाली किरदार हमारे पास तारीख में मौजूद नहीं। अल्लामा साहब से अपना आखिरी सवाल पूछेंगे। आपसे हमारा सवाल यह है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अनहा की हयात मुबारक दौरे हाज़िर की ख़वातीन के लिए कैसे उसवा कामिल बन सकती है? जनाब इमरान ख़ान साहब, यकीनन आपकी ज़िंदगी हमारी ख़वातीन के लिए एक उस्वा और नमूना की हैसियत रखती है। उसके लिए बुनियादी तौर पर तो मैं ये कहूँगा कि बच्चियों को उनकी सीरत से आगाह किया जाए, अपने बच्चों को भी, इसलिए कि उनकी बड़ी जामे पुरमग्ज़ और ईमान अफरोज सीरत है। हमारे तालीमी निसाब में उनकी सीरत के बारे में ज़रूर शामिल होना चाहिए, उनकी सीरत का कोई ना कोई जुज शामिल होना चाहिए, तब उनके हमारी बच्चियों और बच्चों के दिलो दिमाग में उनकी सीरत की अहमियत और अज़मत रासिख होगी और उनकी सीरत के नकूश सब्त होंगे और अपने लिए रहनुमा बनाएंगे। इसके साथ साथ वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के सामने
छोटे छोटे वाकयात की सीरत में वाकयात सीरत को छोटे छोटे वाकयात की सूरत में बयान किया करें, इससे उनकी शख्सियत का और उनकी सीरत का जो ये ईमान अफरोज एक पहलू है, हर जो जिंदगी का शोबा है बच्चियों को उससे रहनुमाई मिलेगी। इसके साथ साथ उलमाए किराम को अपने खुतबात में सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत पाक का तज़किरा करना चाहिए, खुतबात जुमा में और दरूस में भी। मसलन 3 रमज़ान उनका यौम विसाल है, तो उसमें जो उलमा अपने दरूस पेश करते हैं वो भी यानी उसमें सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की सीरत का तज़किरा होना चाहिए। इस तरह जब उलमा भी वालिदैन भी और हमारे तालीमी निसाब में भी उनकी सीरत शामिल होगी तो हमारी नस्ल नौ को बड़ा फैज मिलेगा। डॉक्टर साहब आप इस ज़िम्मे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अल्लाह ताला को जो अहल ईमान से जो चीज़ मतलूब है वो दो टोक है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, ए ईमान का दावा करने वालों या ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब पूरा दाखिल होने के लिए उसमें निजी ज़िंदगी भी, उसमें घरेलू ज़िंदगी भी, उसमें अखलाकी पहलू भी, रूहानी पहलू भी, हकूकुल्लाह भी, हकूकुल इबाद भी, सीरत भी, किरदार भी, और हर बुराई से दामन बचाना। तो इस एतबार से ये नबी अलैहिस्सलाम का जो घराना है जिन्हें अहले बैत तहार कहते हैं, सच्ची बात है कि वो एक आइडियल घराना है। उनसे मोहब्बत और उनकी सीरत जिस तरह प्रोफेसर मोहतरम फरमा रहे हैं कि हमें हर प्लेटफॉर्म पे हर तरीके से अपने बच्चों को, सरकार की हदीस है कि अपने बच्चों को नमाज भी सिखाओ और मेरे अहले बैत की मोहब्बत भी सिखाओ, क्योंकि उस घराने की मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा। जब मोहब्बत पैदा होगी फिर अगला दर्जा मुअद्दत का होगा, जिससे मोहब्बत और मुअद्दत होती है फिर उसकी सीरत एक आइडियल सीरत हो जाती है, उस सांचे में ढलने का दिल फिर चाहता है। तो हमें निसाब में भी इसको शामिल करें, दुरूस में भी शामिल करें, और अपनी बच्चियों को भी एक निज़ान सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा बनाने के लिए उनकी सीरत को आइडियलाइज करके पेश करें, और सबसे बढ़ के दुरूद शरीफ की कसरत करें, क्योंकि इससे भी उनकी मोहब्बत में और ज़्यादा इजाफा होता है। नाज़रीन हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालदा सारी सारी रात जाग कर इबादत किया करती थी और मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआएं किया करती थी और अपने नफ्स के लिए कुछ नहीं मांगती थी। मेरे पूछने पर बताया, क्या मेरे बेटे पहले हमसाया के लिए बेहतरी चाहो फिर अपने लिए। और मेरे ख्याल से अगर आप दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दें इमरान, दूसरों के लिए दुआएं करनी शुरू कर दें, तो आपको अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, खैरुन नासि मन युनफ़िकु नास। बिल्कुल बिल्कुल, सहरी का वक्त हुआ जाता है, आप लोग भी सहरी करें और हमें भी थोड़ी सी इजाज़त दे दें सहरी करने की। हमें अपनी दुआओं में भी याद रखें, अपना अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल सुबह तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।